हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पनीर की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस किया हुआ पनीर हम एक साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं दो प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। इन्हें हम लंबा लंबा काट लेंगे। हरी मिर्च को हम बारीक कट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कम खाते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज और हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी। इन्हें भी हम हल्का रोस्ट करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है इसलिए मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। आप इसे 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पनीर जो हमने कद्दूकस करके रखा था और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया। हरा धनिया मैंने धोकर वॉश करके बारीक कट कर लिया था और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आप इसे ढक कर पकाइए। पनीर की ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और झटपट बनके तैयार हो जाती है। आप इसे रोटी के साथ या एज ए साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।